बॉलीवुड में जब भी बात संजय दत्त की होती है तो लोग सोचते हैं कि संजय दत्त आखिर क्यों संजू बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसके पीछे का राज आपको बताना चाहेंगे। दरअसल संजय दत्त संजू बाबा यूं ही नहीं कहलाते थे। दरअसल संजय दत्त को संजू बाबा कहा जाता था क्योंकि संजय दत्त बॉलीवुड की थक थक गर्ल के दीवाने ऐसे थे कि उन्होंने बाबा नाम से अपनी पहचान बनाई तो संजय दत्त से दूर माधुरी भी हो गई उनके डर से। जेल जाने का चक्कर जब संजय दत्त को काटना पड़ा तो माधुरी उनके साथ तो क्या उनके आस पास भी नहीं थी। देश छोड़कर विदेश में उन्होंने श्री रामनेनी के साथ शादी रचा ली थी और शादी कर वो लालो बाद वापस लौटी ताकि संजय दत्त के साथ उनके अफेयर के जो चर्चे चल रहे थे 90 के दशक में उनसे उन्हें छुट्टी मिल जाए। खैर लंबे समय बाद माधुरी संजय के साथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म कलंक में काम कर रही है जिसे लेकर माधुरी ने हाल ही में तंज कसा। जी हाँ, एक बात बताते हुए माधुरी ने फिल्म से जुड़े एक राज को खोले। अपने एक्स बॉयफ्रेंड संजय दत्त के किरदार पर माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर एक कैप्शन शेयर किया और लिखा उन्होंने संजय दत्त की फोटो को शेयर करते हुए द ग्रैंड ओल्ड ऑथोरी चैरियन ऑफ द ग्रैंड ओल्ड वर्ल्ड प्रेजेंटिंग बलराज। बलराज नाम है संजय दत्त का इस फिल्म में जो कि सत्तावादी के रोल में नजर आएंगे, यानी कि बुढ़ा कहकर सत्तावादी बूढ़े के नाम से माधुरी ने पुकारा संजय को। आप समझ सकते हैं आप इसे, कहीं ना कहीं संजय के होश तो जरूर होने होंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।